हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी रिव्यू करें KTM ड्यूक 390 का, जो कि न्यू फेसलिफ्ट के साथ लॉन्च हो चुका है, जो कि ऑरेंज कलर में काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम लग रहा है। ऑरेंज और सीट वगैरह भी इसका ऑरेंज मिल जाता है, ये ऑरेंज पूरा मिल जाता है, ऑरेंज एंड ब्लैक फिनिशिंग मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके फाइनेंस डिटेल्स की और उसके बाद बात करेंगे इसके डिटेल रिव्यू की। तो आते हैं इसके सबसे पहले फाइनेंस डिटेल्स की तरफ। तो पहला आ रहा है वीडियो, तो थोड़ा सपोर्ट करना वीडियो पे। तो बात कर लेते हैं इसके फाइनेंस डिटेल्स वगैरह की। तो दे सकते हैं इसका जो फाइनेंस डिटेल्स है कुछ ऐसा दे रखा है। तो इसका ऑन रोड जो ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है वो पड़ जाता है आपको 3,68,068 पड़ जाता है इसका ऑन रोड प्राइस आपका। तो लोन अमाउंट हो जाता है वो 3,10,000 का हो जाएगा अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 65,000 के आसपास करते हैं। तो 65,000 का इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं ये 390 का, जो कि शोरूम लोकेशन है KTM अनिशाबाद बाईपास रोड। तो मैं इसका नंबर भी डाल दूंगा और शोरूम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं, क्वेरी वगैरह है 390 को लेके। तो यहाँ पे आते हैं तो इसका मिनिमम डाउन पेमेंट आप 65,000 कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर वगैरह पे, तो 8.49% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। और अगर आप लोन लेते हैं 24 मंथ का यानी 2 साल का, तो आपका EMI आएगा 15,110 आएगा अगर आप 2 साल का लोन करवाते हैं तो 24 मंथ का। और अगर आप 3 साल का करवाते हैं तो EMI आएगा आपका 10,804 आएगा, 10,804 आएगा 3 साल का EMI करवाते हैं तो। और अगर 4 साल का लोन करवाते हैं तो EMI आएगा 8,652 आएगा, 8,652 आएगा। तो ये रहा इसका फाइनेंस डिटेल्स, जो कि पटना KTM अनिशाबाद शोरूम का मतलब डिटेल दिया गया है। तो इसका मैं ये शोरूम का डिटेल वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, कॉन्टैक्ट नंबर सब मिलेगा, तो आप कोई क्यूरी हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय द वे ये रहा इसका फाइनेंस डिटेल्स कवर अप हो गया। तो आते हैं अभी ये 390 के डिटेल रिव्यू की तरफ। तो इसका मैं फोटो भी डाल दूंगा, तीसरे आप लोग चेकआउट कर लेना। तो आते हैं अभी इसके डिटेल रिव्यू की तरफ। सो गाइस, डिटेल रिव्यू की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारा मीटर आता है हमारे सामने, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। ड्यूक 390 लिख के आता है तो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है इसका जो मीटर है, जो इसका इंफोटेनमेंट क्लस्टर बोला जाता है, मीटर MIT बोला जाता है, वो है। तो न्यूट्रल सो हो रहा है, साइड स्टैंड पे गाड़ी है तो साइड स्टैंड सो हो रहा है, ABS रोड ABS वगैरह ऑफ करने का ऑप्शन दे रहा है, बैटरी का वाट बता रहा है, स्पीड रेंज वगैरह सब सो हो रहा है, मतलब कितना किलोमीटर गाड़ी चली है, ट्रिप दिखा रहा है 1.2 किलोमीटर, लो मोड है, रेन मोड वगैरह सब दे रखा है इसमें। इसका मोड आप यहाँ से एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं बाय द वे, तो यहाँ से अपना मोड वगैरह को चेंज कर सकते हैं इसका। तो देख सकते हैं मोड है, जैसे कि राइड मोड पे आते हैं तो राइड मोड कुछ ऐसा दे रखा है, बाइक इन्फो है, तो पूरा मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम है पूरा इसका, गाड़ी का डिटेल वगैरह चेक कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दे रखा है, ट्रिप है, स्पीड कंट्रोल है, स्टेट मोड वगैरह है, क्विक शिफ्टर दे रखा है, शिफ्ट लाइट दे रखा है, कनेक्टिविटी कुछ कनेक्ट करने का ऑप्शन वगैरह दे रखा है। तो पहले आते हैं इसके राइड मोड वगैरह पे बाय द वे। राइड मोड में ABS लॉन्च कंट्रोल दे रखा है बाय द वे। लॉन्च कंट्रोल आपको समझा देता हूँ, ये होता है जो मोस्ट पावरफुल मतलब बाइक होती है, तो लॉन्च कंट्रोल आप ऑन रखेंगे तो थोड़ा आपको जैसे लॉन्चिंग में क्लच वगैरह थोड़ा इजीली इंगेज कर दिया तो गाड़ी मतलब टोटल आउट हो जाती है, तो लॉन्च कंट्रोल आपको बहुत हेल्प करने वाला ये जो मोड है, ABS मोड है, लॉन्च कंट्रोल है। राइड मोड पे आते हैं तो राइड मोड में रेन मोड है, रेन मोड दे रखा है, स्ट्रीट मोड दे रखा है, ट्रैक मोड दे रखा है, और आपको स्ट्रीट मोड, ट्रैक मोड, रेन मोड, तीन मोड दे रखे हैं राइड मोड में। तो बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है ये आपको न्यू ड्यूक 390 में आपको। तो अभी बैक आता हूँ तो ABS में दे रखा है बहुत सारा फीचर्स मोटरसाइकिल। तो अभी ये जो इसका MID है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम लग रहा है, पहले से मतलब छोटा कर दिया है थोड़ा सा, लेकिन इसका जो इसका सेटअप जो किया है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली पोजिशन है इसका जो सेटअप वगैरह। तो इसका की का बात करें तो की भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम दे रखा है, देख सकते हैं आप इसका जो की है। तो इधर पे मिल जाता है आपको स्विचेस वगैरह, यहाँ पे हजार्ड का भी ऑप्शन दे रखा है, हेडलैम्प वगैरह की जरा बात कर लेते हैं, यहाँ पे लाइट जलते रहेगा तो इग्निशन वगैरह पे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम लग रहा है। तो यहाँ पे हजार्ड भी आपको मिल जाता है बाय द वे, और इसमें दे रखा है LED मिल जाता है इसमें, इसका जो हेडलैम्प है आपको LED दे रखा है बाय द वे, पूरा फुली LED देखने को मिल जाता है, LED प्रोजेक्टर, और इसका DRL कुछ इसमें जलता है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, हजार्ड
पर 1000 इनबिल्ट मिलता है इसमें। बाय द वे 1000 ऑन करने का स्विच आपको यहाँ पे दे रखा है, यहाँ से आपका 1000 ऑन हो जाएगा बाय द वे। तो E20 वेरिएंट है भाई, E20 पेट्रोल वेरिएंट के साथ ही आता है, यहाँ पे मिल जाती है। ड्यूक 390 की वेजिंग मतलब ये स्टिकरिंग यहाँ पे मिल जाती है ब्लैक फिनिश में। तो बाय द वे एक इसका जल्दी ही टेस्ट राइड आने वाला है, वीडियो टेस्ट राइड वीडियो आने वाला है ये ड्यूक 390 पे चैनल पे। तो तब तक सब्सक्राइब करो, स्टे ट्यून टू माय चैनल, बिकॉज मैं शो करने वाला हूँ, टेस्ट राइड करने वाला हूँ ये 390 का, ये सेकंड अलॉट आने के बाद मतलब पटना में। तो ये एक ही पीस आया, तो टेस्ट राइड का वीडियो मतलब थोड़ा आएगा थोड़े दिन के बाद सेकंड अलॉट में, तो उसे भी चेकआउट कर लेना आप लोग। यहाँ पे इसका इंजन मिल जाता है जो कि 390cc का पूरा इसका इंजन सेटअप दे रखा है, 6-speed ट्रांसमिशन के साथ ये आता है ये 390। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको ऑरेंज फिनिश देखने को मिलेगा क्योंकि ये KTM का कलर को रिप्रेजेंट करता है ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का सीट दे रखा है। यहाँ पे ये राइडर सीट्स क्लियर सीट ब्लैक मिल जाता है आपको यहाँ पे। तो साइड से लुक कुछ ऐसा आ रहा है गाड़ी का, तो कमेंट डाउन करो ये कलर आपको कैसा लग रहा है और ये न्यू 390 कैसा लगा। तो बैक से आते हैं, तो बैक से गाड़ी का कैसा लुक आ रहा है भाई देखो। यहाँ पे मिल जाती है आपको रियर लाइट कुछ ऐसी छोटी सी आपको, जो कि अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पे पिलियन को थोड़ा हेल्प होने वाला है क्योंकि यहाँ पे स्टैंड दे रखा है जो कि ऐसे हैंग मतलब हैंड से पकड़ सकता है पीछे जो बैठता है ये पावरफुल मशीन पे। तो इसका इंडिकेटर पीछे वाला कुछ इसमें मैं ब्लिंक करता है, देख सकते हैं आप जो इंडिकेटर है पीछे वाला जो कि इसमें मैं आपका ब्लिंक कर रहा, देख सकते हैं आप जो कि इस वे में ब्लिंक करता है इसका जो पीछे वाला इंडिकेटर है। यहाँ पे रियर लाइट इसका मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम लग रहा है इसका जो रियर लाइट है आपका यहाँ। सो गाइस इसका रियल व्हील का साइज का बताएं, रियल व्हील साइज बताएं तो आपको 150x60 मिल जाता है, काफ़ी बड़ा मतलब बीत है इसका। टायर का देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा टायर ऑफर करता है ये 390 में आपको। ऑरेंज रिम मिल जाते हैं जो कि अट्रैक्टिव लगता है, और इसका डिस्प्ले कुछ डिफरेंट दे रखा है, पहले वाले में ऐसा नहीं आता था, यहाँ पे थोड़ा सा ये रहता था मतलब मिक्सअप रहता था। ये मैं इसका यूज बताता हूँ ये कि जल्दी मतलब ये हीटअप होकर जल्दी ठंडा हो जाएगा, ये डिस्क का ये मैं एक एडवांटेज आपको बता रहा हूँ, ये जो डिस्क का इसका मतलब हीटअप होगा लेकिन जल्दी ठंडा हो जाएगा ये जो यूज़ किया गया इसमें एलुमिनियम वगैरह। तो यहाँ मिल जाता है आपको डोल चैनल ABS, यहाँ पे एग्जॉस्ट कुछ ऐसा दे रखा है इसका, काफ़ी डिफरेंट तरीका का एग्जॉस्ट है, आप देख सकते हो अंदर की तरफ पूरा मैट कलर में आपको मिल जाता है। तो इसका भी आपको इसका यहाँ मिल जाता है आपको सॉकेट कुछ ऐसा मिल जाता है जो कि आपको इनबिल्ट अंदर की तरफ मिल जाता है, मोनोशॉक सॉकेट अंदर की तरफ एक सिंगल मिल जाता है। यहाँ पे इसका दे रखा है ये कूलेंट, यहाँ पे देख सकते हैं कूलेंट यहाँ दे रखा है, मैक्सिमम मिनिमम इंडिकेट कर रहा है इसका जो कूलेंट है, जो कि आपका कम होगा तो यहाँ पे इंडिकेट कर देगा, आप देख सकते हैं कूलेंट कितना है गाड़ी में। इंजन का पोजीशन यहाँ दे रखा है जो कि मैट कलर में पूरा ब्लैक फिनिश में इसका इंजन मिल जाता है 390cc का आपको इंजन दे रखा है आपको, जो कि यहाँ मिल जाता है आपको, जो कि काफ़ी बड़ा मिलता है इसका जो इंजन है मैट कलर में मिल जाता है। और यहाँ पे मतलब पहले थोड़ा सा ये हो जाता है 390 दे रखा है भाई लबे, यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ये इसका इंजन मतलब थोड़ा सा अच्छा पोजीशन किया है, मतलब पूरा यहाँ पे सेफ है इसका जो इंजन वगैरह है गार्ड के वजह से, और इसका क्वालिटी वगैरह जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्रूव कर दिया पहले वाले से। और यहाँ पे मिल जाती है ड्यूक 390 की वेजिंग जस्ट साइड में आपको, जो कि ब्लैक फिनिश में पूरी मिल जाती है। यहाँ मिल जाती है KTM की वेजिंग ये सिल्वर टाइप का। तो फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में कुछ ऐसा दे रखा है इसका डिस्क ब्रेक, जो कि बता चुका हूँ मैं यहाँ पे खाली क्यों दिया है, क्योंकि जल्दी हीटअप होकर जल्दी ठंडा हो जाएगा ये, पहले वाले में ऐसा नहीं आता था, पहले वाले में दे रखा है ऐसा देख सकते हैं आप, पहले वाले में डिस्क ब्रेक ऐसा आता था भाई लगे जो कि यहाँ पे रहता था ये लाइन टाइप का, लेकिन नए ड्यूक 390 में आपको डिस्क ब्रेक थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, थोड़ा डिफरेंट तरीका का यूज किया गया डिस्क ब्रेक इसका, जो कि ऐसा दे रखा है। तो कमेंट करो ये मतलब ये कैसा लगा आपको ड्यूक 390। तो बाय द वे इसका फ्रंट से लुक काफ़ी बल्कि लगता है, बाय द वे फेयरिंग टाइप का लगता है, बाय द वे इसका सॉकेट एडजस्टेबल मिल जाता है आपको, इसका सॉकेट यहाँ से आप एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से इसका ये सॉकेट एडजस्टेबल मिल जाता है, एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं अपने राइडिंग कंफर्ट के हिसाब से, सॉकेट मतलब कैसा रखना मतलब कैसा वर्किंग में रखना, तो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसका दोनों सॉकेट को आप, यहाँ से एडजस्ट होगा दोनों, यहाँ पे दे रखा है एडजस्टमेंट और यहाँ मिल जाता है आपको सॉकेट एडजस्टमेंट, देख सकते हैं तो एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं इसके सॉकेट को भी। सो गाइस ये रहा इसका एग्जॉस्ट नोट, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब लाउड है इसका जो एग्जॉस्ट है, देख सकते हैं आप इसका एग्जॉस्ट नोट जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब लाउड है, पहले वाले से काफ़ी ज़्यादा मतलब लाउड कर दिया इसका एग्जॉस्ट को, देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका जो एग्जॉस्ट है,
देख सकते हैं आप। तो कमेंट करो कैसा लगा इसका एग्जॉस्ट नोट। सो गाइस बात कर लेते हैं इसके पावर फिगर वगैरह की, बीएचपी वगैरह की, फ्यूल टैंक कैपेसिटी वगैरह की। तो बीएचपी की बात करें तो इसका 390 सीसी का इंजन जनरेट करता है 45.3 बीएचपी, 39 एनएम का टॉर्क के साथ 45.3 बीएचपी जनरेट करता है। और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है वो आपको मिल जाता है 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। इस ग्राउंड क्लियरेंस, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करता है ये न्यू ड्यूक 390 वो ऑफर करता है 183 mm का एक बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस। देख सकते हैं आप 183 mm का बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है इसमें। और इसका जो वेट है वो कार वेट है 168 kg की ये मोटरसाइकिल है, 168 kg की ये मोटरसाइकिल आपको है। तो इसका सीटिंग पोजीशन वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर है, बैठ के देखते हैं थोड़ा। तो सीटिंग पोजीशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर दे रखा है सीटिंग पोजीशन वगैरह इसका, देख सकते हैं आप जो सीटिंग पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर दे रखा है मेरे हिसाब से। और इसका EMID भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रीमियम लगता है, ऐसे ऑन करते आपका ड्यूक 390 लिखते हुए आएगा यहाँ पे। तो सीटिंग पोजीशन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेटर है, 168 kg का कार बैठा है। और तेरा हैंडल भी लाइट कर दिया पहले वाले से, ज़्यादा लाइट कर दिया इसका जो हैंडल वगैरह है। और सीट का कंफर्ट सीट मिलता है इसमें, सीट जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से ये न्यू ड्यूक 390 में आपको। तो कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है ये ऑरेंज कलर आपको। बाय द वे ब्लू कलर में भी आने वाला है और इसका जल्दी टेस्ट राइड भी आने वाला है मेरे चैनल पे। तो तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फ्रंट से बताओ कैसा लुक आ रहा है ये न्यू ड्यूक 390 का आपका। इसका हेडलैम्प वगैरह आपको LED मिल जाता है कुछ ऐसा वे में ब्लिंक करता है इसका जो। और हजार्ड का ऑप्शन आपको इनबिल्ट मिलता है जो कि ऐसे इसका हजार्ड ऑन हो जाएगा, बाय द वे ऐसे वन टैप करते इसका हजार्ड ऑन हो जाएगा। तो इस वीडियो में फाइनेंस डिटेल सब कवर अप हो गया। तो चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो और शेयर वगैरह करो। और शोरूम का लिंक देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, KTM अनिशाबाद पटना बाईपास रोड अनिशाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, डिटेल स्क्रीन पर भी कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा आपको और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अंटिल देन।